हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डोप चैनल में आप लोग का दोस्त और चैनल का होस्ट फ्रांक। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर GTA ट्रायलॉजी मोबाइल की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी रिलीज डेट को लेकर के भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना, जल्दी से कर दो लाइक शेयर कमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूँ यार फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिए खास अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि ट्रायलॉजी मोबाइल के ऊपर है। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपके फ़ोन के अंदर ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड कैपेबल है तो फिर आपका जो GTA ट्रायलॉजी मोबाइल गेम है वो चलेगा। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद में लोगों ने जो है वो कमेंट ये किया दोनों ही तरफ, कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी, कि भाई हमारा जो मोबाइल है उसमें प्ले स्टोर में ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड जो है वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन जो फॉर्टनाइट गेम है जो एपिक गेम्स की तरफ से अपने को मिला हुआ है मोबाइल के अंदर, वो गेम हमारे मोबाइल के अंदर चलता है। तो जब फॉर्टनाइट चल रहा है ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड क्यों नहीं चल रहा है फिर? और जब ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड नहीं चल रहा है इसके बावजूद मेरा एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो फ्लैगशिप में आता है, यानी उसके अंदर 6GB का 8GB का रैम है, प्रोसेसर काफ़ी हाई लेवल का है, एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट है, और मैं GPU की अगर बात करूँ तो दोनों ही जो है एड्रेनो माली वगैरह सब कुछ एकदम पावरफुल है, तो यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है उसमें गेम चलेगा या फिर नहीं चलेगा? अभी ऐसे सवाल यहाँ पे खड़े हो गए। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ यहाँ पे कि इसके गेम के जो ऑफिशियल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ना, वो तो आपको ना तो मैं और कोई भी दूसरा बड़ा से बड़ा यूट्यूबर कोई भी होने दो, चाहे वो रॉकस्टार का रिश्तेदार ही क्यों ना होने दो, वो यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता उसके ऑफिशियल सिस्टम रिक्वायरमेंट जब तक के वो गेम रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक के। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अंदाज़ा यहाँ पे दोस्तों आप लोग इस वजह से लगा सकते हो कि ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड के जो ग्राफिक्स है वो आप लोग जाकर के देखो कितने ज़बरदस्त हाई लेवल के। तो अब अगर वो गेम आपके मोबाइल के अंदर चल जाता है तो आराम से सीधी सी बात है GTA ट्रायलॉजी मोबाइल भी चल जाएगा, क्योंकि उसके ग्राफिक्स तो उस गेम के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो आराम से चल जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड शो नहीं हो रहा है लेकिन फॉर्टनाइट हमारे मोबाइल में चलता है और हमारे मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तगड़े स्पेसिफिकेशंस है, तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा? तो मेरे भाई चलेगा गेम, बिल्कुल टेंशन मत लो, गेम चलेगा आप लोगों का। लेकिन हाँ, आप लोग अल्ट्रा लेवल की सेटिंग जो होती है गेम के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई ग्राफिक्स के अंदर आप लोग शायद ना खेल पाओ, लेकिन लो सेटिंग के ऊपर आप लोग गेम को जो है वो खेल पाओगे। देखो मिनिमम जो है ना यार, आपके फ़ोन के अंदर 6GB रैम तो होना ही कंपलसरी है, और प्रोसेसर यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि 650 है, उतना या उससे ऊपर अगर होगा ना यार तभी बेटर है। एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट लो, 10 से नीचे होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 10 या उससे ऊपर तो चाहिए चाहिए। और एड्रेनो GPU की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एड्रेनो माली दोनों ही कैपेबल हो जाएंगे, उसमें सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेस का तो यहाँ पे कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि यार स्पेस तो यार नॉर्मल से फ़ोन के अंदर भी आपको 16GB मिली जाती है लो एंड की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मिड रेंज है या फिर फ्लैगशिप है तो उसमें तो 128GB कैपेबल है, तो वो तो उसमें सोचने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस मेन चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि ये तीन चीज़ें, रैम, प्रोसेसर और एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे ऐसे बग्स चलते रहते हैं गेम के जो वर्जन होते हैं उनको लेकर के, कई बार क्या होता है कि फ्लैगशिप जो फ़ोन होता है जिसके अंदर 8GB रैम है, 12GB रैम है, उसमें भी कोई कोई गेम जो है वो बताता है कि भाई इनकॉम्पेटिबल है, तो ये जो बताता है ना यार ये बग होता है। तो कई सारे लोगों के मोबाइल के अंदर ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एंड्रॉयड को लेकर के भी ये प्रॉब्लम फेस किया जाता है कि भाई वो जो गेम है वो कैपेबल होने के बावजूद वहाँ पे प्ले स्टोर पे दिखाता है कि इनकॉम्पेटिबल है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहीं और से गेम को डाउनलोड करोगे तो वो चल जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग टेंशन में आ गए थे मेरे को मालूम है। अब मैंने आपके सारे टेंशन यहाँ पे क्लियर कर दिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को लेकर के सारे डाउट्स भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है तो कमेंट में बता देना, रिप्लाई ज़रूर से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे रिलीज डेट की। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि फरवरी के अंदर इनका जो इवेंट होने वाला है टेक टू का, उसी के अंदर आप लोग को इसकी जो एग्जैक्ट तारीख है वो मिलने वाली है। और अभी फरवरी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अभी तो दिसंबर 15 जो है वो बस आ ही जाएगा, आज है 10 दिसंबर, तो यहाँ पे आप लोग को ऑलमोस्ट 1.5 महीने का वेट करना है और उसके बाद में आपको इवेंट में डेट मिल जाएगी। और जैसे ही डेट मिल जाए बस उसके बाद में तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है,
और हाँ, इसमें एक सवाल ये भी निकल करके आता है कि जब अपने को फरवरी के अंदर डेट मिलेगी तो इसकी जो एग्जैक्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है क्या वो भी उस टाइम के ऊपर मिलेगी। तो देखो दोस्तों, उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे कि 50-50 चांसेस है मिल सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, लेकिन 100% आपको मैं बता नहीं सकता। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको 100% तभी मिलेंगे जब वो गेम आपको प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा, तभी आपको मिलेंगे और उसके बाद में कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये और गेम जो है वो आपको मार्च 2023 के अंदर 100% देखने के लिए मिल जाने वाला, अब तो सभी तरफ जो है वो डिक्लेयर भी हो गया है और अब गेम का डिले होने का या फिर कोई भी दूसरी चीज़ होने का बिल्कुल भी सवाल यहाँ पर पैदा होता ही नहीं है। ओके, तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल पर नए हो तो अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस, मैं मिलता हूं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।